प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर बात करें हम नीरज चोपड़ा जो कि इंडियन लेजेंड हैं, उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है जेवलिन थ्रो में। 83.30 m जो है उन्होंने गेम में करके स्कोर करके उन्होंने 2022 में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, इसमें कोई यानी कि हमारे लिए तो ये शॉकिंग बात है, उसके लिए इतना मुश्किल काम नहीं था क्योंकि उसने ओलंपिक्स में भी हमें हराया है। हमारे आपके आपको पता ही होगा हमारे पाकिस्तानी भाई को उसने और आगे जो है गोल्ड मेडल दिया है। इसी तरह सबसे पहले तो मैं उनके जो है क्या कहते हैं इंडिया का जो स्पोर्ट्स सेक्टर है उसकी तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि वो क्रिकेट के अलावा भी अपनी स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो फिर हॉकी हो या ओलंपिक्स गेम हो, चाहे कोई एथलीट हो, हर जगह पर वो इन्वेस्ट करता है। इसीलिए उनके पास इतने गोल्ड मेडल हैं और हमारे पास अभी तक सिर्फ 29 है। याद रहे कि नीरज चोपड़ा जिनकी जानिब से गोल्ड जीता गया है वो ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। yes, he's superb. वो यूरोप में इनकी ट्रेनिंग हो रही थी और अशफाक जो पहले ही आके जो उन्होंने थ्रो फेंकी है he was like उनको अपनी गेम इतने अच्छे तरीके से पता थी कि एक बार उन्होंने फेंका ही है, ठीक है, जैसा फेंका और उसके बाद वो पीछे मुड़ के उनको पता था कि मैंने क्या कर दिया। he was great. बात आ जाती है नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा एक बहुत ही बेहतरीन एथलीट है। उन्होंने आप उनकी फिटनेस देखें, उन्होंने जब हमारे यहाँ पर अगर कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको बिल्कुल भी इतनी हाइप नहीं मिलती जो कि वो डिज़र्व करता है। नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल जीता आपने देखा होगा, उन्होंने उसके बाद जो है उन्होंने उनको शोज़ में लेकर गए, उनके जितने रियलिटी शोज़ थे वहाँ पर लेकर गए, उसको जो वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता था वो दी और उसको उस पर इन्वेस्ट किया ताकि वो इम्प्रूव कर सके। यही वजह है कि उन्होंने ये रिकॉर्ड अपना ही तोड़ दिया। और क्योंकि उस लेवल की मेरे ख्याल में कोई कोच नहीं है जो पाकिस्तान में मुझे ट्रेनिंग करवा सके, क्योंकि अगर आप नीरज चोपड़ा को देखें तो माशाल्लाह भी वो मेरे ख्याल में 2016 में मैंने पहला कंपटीशन उनके साथ खेला था जी। तो अभी तक भी वो आउट ऑफ कंट्री मेरे ख्याल में जो जर्मनी का जो बेस्ट कोच है उनके पास वो ट्रेनिंग कर रहा है और जो जर्मनी के कोच हैं उनकी जो अपना थ्रो है बेस्ट वो 104 मीटर है, उनके पास वो माशाल्लाह थ्रो अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। चोपड़ा को मैं देखता रहता हूँ, बड़ा स्मार्ट हैंडसम बॉय है और उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप जो है वो पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरीके से नदीम पाकिस्तानी जो लड़का था उसको अप्रिशिएट किया जब ओलंपिक्स में खेल रहे थे, दोनों प्लेयर्स जब फाइनल में पहुंचे थे तो बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा लगा था। नदीम जब एक मौके पर बाहर हुए थे तो हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश थी, यही दुआ थी कि यार ये इतना अच्छा इंसान है दिल का, इसने पाकिस्तानी प्लेयर को अप्रिशिएट किया है कि नदीम रिसोर्स के होते हुए ना होते हुए भी इतने बड़े लेवल पर आया और परफॉर्म किया और पाकिस्तानी प्लेयर को अप्रिशिएट किया, जिस पर पूरी कौम ने कहा कि अब तो नीरज चोपड़ा को जीतना चाहिए और नीरज चोपड़ा उसके बाद जीता। और जिस बंदे की नीयत साफ होती है, जो बंदा अच्छा होता है ना, उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुल जाते हैं और नीरज चोपड़ा के लिए कामयाबी के रास्ते ऐसे खुले कि वो करोड़पति बन गया, बड़े बड़े ब्रांड्स उसको मॉडल शूट के लिए बुलाने लगे, उसके बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सर करने लगी, नीरज चोपड़ा एक ब्रांड बनकर इंडिया में अब सामने आया है। और मेरी तो ख्वाहिश है कि नीरज चोपड़ा भाई आप इतने हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, आपको चाहिए किसी फिल्मी दुनिया में भी कदम रखें और आप जैसा हीरो मेरे ख्याल में फिल्मों में उनकी कमी है। नीरज चोपड़ा की भारतीय एथलीट जिन्होंने आज सोने का तमगा हासिल किया जैवलिन थ्रो के अंदर, जिस तरह उन्होंने बताया कि वो यूरोप के अंदर ट्रेनिंग हासिल की। नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए। नीरज वॉज जस्ट आउटस्टैंडिंग, ही वॉज सुपर्ब और बड़ी उसकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो थी ही चैंपियन वाली, जिस तरह वो आ रहा था, द वे ही वॉज वॉकिंग अबाउट, द वे ही लुक लाइक, वो लग रहा था कि इज वेरी कॉन्फिडेंट के मेडल अपना ही। और आई थिंक क्रेडिट उसको और उसके पूरे सिस्टम को जिन्होंने उसके साथ लग के उसको यूरोप में मेरे हाल वो ट्रेनिंग कर रहा था। लोग अपने स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करते हैं जिसकी वजह से जो प्लेयर है ना उसमें जुनून, अपने मुल्क के लिए खेलने का जुनून पैदा होता है। और जब प्लेयर होता है ना, चाहे वो क्रिकेट का हो चाहे वो किसी और गेम का हो, जब वो माइंड बना लेता है ना कि मैंने अपने मुल्क के झंडे के लिए खेलना है, मैंने पाकिस्तान के झंडे के लिए खेलना है, मैंने इंडिया के झंडे के लिए खेलना है, तो उसका जुनून जो है ना वो उसे रातों को सोने नहीं देता और वो जुनून की हद तक अपनी स्पोर्ट्स से मोहब्बत करता है, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। तो उसे जब सपोर्ट करने वाला मिल जाता है ना कोई कि आए हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपके गेम में आपको प्रमोट करते हैं, तो उसका जिगरा और बड़ा हो जाता है और वो और ज़्यादा खुल कर खेलता है और वो फिर दुनिया को बताता है कि मैं भी कुछ हूँ,
मैं गेम कर सकता हूं, अपने मुल्क के नाम मैं दुनिया भर में रोशन कर सकता हूं, जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने प्रमोट किया पाकिस्तान का लड़का नदीम था जो एक गरीब घराने से था, वो नीरज चोपड़ा के पास तो रिसोर्सेज थे लेकिन नदीम के पास नहीं थे, उसके बावजूद नदीम इतने बड़े लेवल पर गया और हारा, नीरज चोपड़ा उस फाइनल में जीता लेकिन नीरज चोपड़ा ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उसे सपोर्ट किया, उसको सपोर्ट करने वाले बहुत थे। नदीम एक गरीब घर का था, एक छोटे से गांव से था। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो बिकॉज नीरज चोपड़ा हैज वन अनदर गोल्ड एंड ये कुर्ताने गेम्स पोर्टन गेम्स कुर्ताने गेम्स में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। आपसे बात अब करना चाहूंगी इस बारे में, जिस तरह अर्शद ने अभी मेंशन किया नीरज चोपड़ा की हम बात करते हैं, बड़ा जिस वक्त नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता उस वक्त बड़े पुरअज़्म हो गए थे हम भी कि हम अब अर्शद के लिए बैकिंग करेंगे और अर्शद को सारी फैसिलिटीज फराहम करेंगे, हर चीज अवेलेबल होगी। मगर जब हम कंपैरिजन देखते हैं, हम देखते हैं नीरज चोपड़ा इस वक्त यूएस में बेस्ट फैसिलिटीज पे बैठा हुआ है, जो कोच है नीरज चोपड़ा का He is not just a coach, biomechanic expert है, he is one of the best coaches javelin throw के हवाले से। और Dr. Klaus की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी फतवात उनके अपने उनके पास भी हैं। So, जब मैं ये बात करती हूँ फैसिलिटीज की, आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज जो कि यूएस में इस वक्त नीरज चोपड़ा जो सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको, साथ ही साथ एक जबरदस्त कोच, तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जी अर्शद नदीम भी उसी तरह की परफॉर्मेंस करें जब ये सारी चीजें हैं ही नहीं यहाँ पे। अपना नाम बनाया है और इंडियन प्लेयर को, पाकिस्तानी प्लेयर को तो उन्होंने पहले ही शिकस्त दे दी थी, तो अब उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया के लिए ये प्राउड मोमेंट है और वहाँ के एथलीट हमेशा जो हैं, उससे पहले आप देख लें उनकी फीमेल्स देख लें, जरा फ़र्क देखिए कि फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों मुल्कों ने अपने जो खिलाड़ियों पे किस तरह से इन्वेस्ट किया। नीरज चोपड़ा की ये ट्वीट है जो आप स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, जिसमें वो जून 2021 में कहते हैं कि मैं टोक्यो के लिए बड़ी तैयारी कर रहा हूं, मेरी हुकूमत मेरा भरपूर तरीके से ख्याल कर रही है, मैं यूरोप में ट्रेनिंग कर रहा हूं, हालांकि इतना मुश्किल था इस वक्त वीज़े नहीं मिल रहे थे, बड़ा सख्त वक्त है कोविड की वजह से, फिर भी मेरी हुकूमत ने मुझे वहां भेजा। अब चलते हैं अर्शद नदीम ने किस तरह आलमी मुकाबलों के लिए ट्रेनिंग की है और उन पर क्या इन्वेस्ट किया किसी ने। अर्शद नदीम को आलमी मुकाबलों में जो शिरकत के लिए पैसे दरकार थे, ट्रेनिंग थी, अखराजात थी, हुकूमत ने उसकी मुआवनत उस तरह से नहीं की है, यहाँ तक कि हुकूमत ने लाहौर मुल्तान फैसलाबाद जाने के लिए भी अर्शद नदीम से ताऊन नहीं किया, उनके वालिद साहब का वर्जन है। और ये खाली पीटीआई की हुकूमत की बात नहीं है, जनरली पाकिस्तान में जो खेल निगलेक्ट होते रहे हैं गुज़श्ता कई दहाइयों से, ये उसकी एक मिसाल है। फिर उन्होंने अपने कोच की मदद से घर और साथ मुलेका ग्राउंड में खुद ट्रेनिंग की। टोक्यो ओलंपिक 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। फिनलैंड में चल रहे कुओर्तानो गेम्स में नीरज चोपड़ा ने शनिवार को गोल्ड मेडल जीत लिया है। नीरज चोपड़ा ने यहां पर रिकॉर्ड 86.69 मीटर दूर भाला फेंका और उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। अभी पिछले दिनों ही नीरज चोपड़ा ने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर अपनी पहली ही बारी में 86.69 मीटर दूर भाला फेंक दिया था, जिसके आसपास कोई भी नहीं आ सका। नीरज ने अपने बाकी की दोनों बोरियों को फाउल में करार दिया ताकि उनके नाम के आगे छोटा स्कोर ना आए। इस दौरान नीरज चोपड़ा चोटिल होने से भी बच गए जब वह थ्रो फेंक रहे थे और अचानक उनका पैर फिसल गया, लेकिन नीरज चोपड़ा फिर से उठ खड़े हुए। नीरज चोपड़ा के लिए यह गेम काफ़ी मुश्किल रहा क्योंकि पूरे इवेंट के दौरान बारिश होती रही, फिसलने की वजह से वह गिर भी पड़े, लेकिन 24 साल की नीरज चोपड़ा डगमगाए नहीं और गोल्ड मेडल जीत ही लिया। टोक्यो ओलंपिक के बाद यह पहला इवेंट है जब नीरज को किसी गेम से गोल्ड मेडल मिला है। इस गेम में नीरज चोपड़ा के सामने 24 साल के एंडरसन पीटर्स थे, जिन्होंने इसी साल दो बार 90 मीटर से अधिक की दूरी पर भाला फेंका है, लेकिन यहाँ पर उनका कमाल नहीं चल पाया। इसी के साथ यहाँ नीरज चोपड़ा का गोल्ड पक्का हो गया। नीरज चोपड़ा के इस कमाल पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी गदगद हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा का वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि नीरज को सोना मिला है, उन्होंने फिर से कर दिखाया है, क्या शानदार चैंपियन है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में ही नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया था। यहां हुए पुओ नुरमी गेम्स में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था, उन्होंने 89.30 मीटर दूरी पर भाला फेंका और अपने ही बनाए गए नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।